पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने लुओ हेमन सेट की पूरी तरह से जिम्मेदारी ली मुआन को दे दी होती है और आगे से वो यहाँ से लुओ हेमन सेट को संभालने वाली है, क्योंकि वांग का अफसफर ये होने वाला है कि वो वहाँ से फूजियांग के पास जाएगा ताकि उसे मार्क अपना बदला ले सके। और वहाँ जाने का रास्ता भी सी ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर से होकर ही गुजरता है, इसलिए उसे सी ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर को तो पार करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही वो वहाँ से जाओ कंट्री में जा पाएगा ताकि वहाँ जाने के बाद वो फूजियांग को मार सके, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के बारे में बताया जा रहा होता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही आ चुकी है, पहले से भी कहीं गुना ज्यादा यहाँ पर मॉन्स्टर बढ़ चुके हैं। उन्हीं में एक स्कॉर्पियन है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसके अंदर से इतना खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है कि आसपास तक की जो सिटी है वहाँ के लोग भी उसके ऑरा के प्रेशर से परेशान है। इतना ही नहीं, वहाँ पर सिर्फ स्कॉर्पियन ही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के मॉन्स्टर भी धीरे धीरे करते हुए आसपास की जो सिटी है वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं ताकि वहाँ जाने के बाद वो लोगों को मार सके। कि इस वजह से तो आसपास के लोगों का जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर ने आसपास की छोटी बोटी कंट्री जो थी उन्हें तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कई सारे लोगों को भेजा गया उन मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन कोई भी इस चीज में कामयाब नहीं हो पा रहा है। जो भी कल्टीवेटर वहाँ पर उन मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता वो मॉन्स्टर उन्हें वहाँ पर मार कर खा जा रहे हैं। इस वजह से मॉन्स्टर की दहशत अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, सारे लोग मॉन्स्टर के नाम से ही डरते हैं। सारे मॉन्स्टर कम पावरफुल नहीं, सारे के सारे अपने पावर लेवल के पीक पर मौजूद है, इस वजह से के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। वहीं पर कई सारे मॉन्स्टर जो होते हैं उन लोगों ने एक पूरी की पूरी सिटी के ऊपर हमला कर दिया था, इस वजह से तो सिटी के सभी लोग मारे जा रहे होते हैं, कोई भी वहां पर बच नहीं पाता। इससे सभी मॉन्स्टर से बचकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब वहां पर वांग भी आ गया था जो यहां पर आने के बाद सारी चीजें देख रहा होता है कि आखिर यहां पर ये हो क्या रहा है। वहां पर आने के बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे तो यहां से टेलीपोर्टेशन एरे चाहिए होगा, उसके बाद ही मैं यहां पर से बाहर निकल सकता हूं। वो पूरे के पूरे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का जो मैप है उसे एक बार अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि जितना उसे याद है मैप के बारे में वही चीजों के हिसाब से उसे सिर्फ इतना पता था कि अगर जाओ कंट्री में जाना है तो उसे कैसे भी करके सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को पूरी तरह से पार करना होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। पर अगर उसे टेलीपोर्टेशन पोर्टल मिल जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हुए वो आसानी के साथ पूरे के पूरे सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को पार कर लेगा, उसके बाद वो जाओ कंट्री में जा सकता है। वांग काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि मैं यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा बहुत तो सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को पार कर सकता हूँ, लेकिन ये सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर पहले जैसा नहीं रहा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसलिए मैं इतने सारे बीस्ट का मुकाबला करते हुए इतने बड़े सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर को अकेले तो पार बिल्कुल भी नहीं कर सकता, यही चीज में मेरी मदद टेलीपोर्टेशन पोर्टल करेगा, उसके बगैर मैं यहाँ पर तो पार कर ही नहीं पाऊंगा इसे, या फिर मेरी जान चली जाएगी या फिर मुझे यहाँ से ही रिटर्न जाना पड़ेगा, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन आखिर मुझे ये टेलीपोर्टेशन पोर्टल मिलेगा कहाँ, इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी तरफ हम सीपिंग को देखते हैं जो एक नाव के अंदर सवार होता है, उसी के साथ साथ वहाँ पर दो और कल्टीवेटर भी मौजूद थे, वो डिसाइपल पॉइजन डीमन पैलेस के लोग होते हैं, उनके साथ ही यहाँ पर सीपिंग आया हुआ था। वो दोनों जो बंदे होते हैं यहाँ पर उन बीस्ट को मारने के लिए आए थे, तब उन्हें वहाँ पर वही स्कॉर्पियन दिखाई देता है, जिसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, कह रहे वाह ये तो बहुत ही कमाल का बीस्ट है। सीपिंग कहता है तुम लोगों को पता है मैं कई महीनों से इस बीस्ट की तलाश में था, लेकिन मेरी कल्टीवेशन पावर ही उतनी ज्यादा नहीं कि मैं यहाँ पर अकेले इन स्कॉर्पियन को मार पाता, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप दोनों यहाँ पर मेरी मदद कर सके। जिस पर वो लोग कह रहे होते तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर दोनों काफी हैं इस स्कॉर्पियन को पकड़ने के लिए, तुम यहाँ पर रुक सकते हो। जिसके बाद वो दोनों वहां से उस स्कॉर्पियन के पास चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तो सीपिंग सोच रहा था कि जाओ जाओ उस स्कॉर्पियन को पकड़ो, एक बार तुम उसे पकड़ लोगे तो उसके बाद तो मैं तुमसे उसे छीन ही लूंगा, यही तो मेरा असली प्लान था, मैं यहाँ पर तो तुम लोगों को ऐसे ही फंसाने के लिए लाया हूँ। साथ ही वो वहां पर वांग के बारे में भी सोच रहा था कि मैंने तो तुम्हें अपनी नेट्स एंड सोल दी थी ना, क्या तुमने वहां पर अपना ब्रेक थ्रू किया होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, मैं एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ ताकि देख सकूं कि अभी तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चल रही है। तो वहीं दोनों वहां पर आगे बढ़ते हुए उस स्कॉर्पियन के पास आ चुके थे ताकि वहां आने के बाद वो उसकी जान ले सके। जिसके बाद वहां पर वांग भी आ जाता है। वांग वहां पर आने के बाद सीपिंग से कह रहा था अरे तुमने मुझे याद किया, तुम याद करो और मैं यहाँ पर ना हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देखो मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ चुका हूँ। इधर वो दोनों डिसाइपल अपने वेपन के अंदर पॉइजन को मिलाते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक उस स्कॉर्पियन पे कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक को तो बड़ी आसानी के साथ वो स्कॉर्पियन वहां पर डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद तो वो उन दोनों की तरफ ही बढ़ना शुरू हो गया था ताकि वो उन दोनों की जान ले सके, वो लोग तो वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो स्कॉर्पियन बड़ी आसानी के साथ उन दोनों की जान लेने वाला होता है। पर तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर होकर गुजरता है, जिससे तो उस स्कॉर्पियन के ऊपर इतना खतरनाक अटैक लगा था कि वो डर के मारे ही वहां से भाग जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि वांग का ही था, उसने इतना खतरनाक अटैक करके यहां पर उस मॉन्स्टर को भगा दिया। ये चीज देखकर सीपिंग कह रहा था
था, क्या यहाँ पर सच में वांग तो नहीं आ गया ना। इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर तो उसी के पास मौजूद था, उसी की ऑरा की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर डर के भाग गया होगा। तब वहाँ पर वांग आने के बाद उससे कह रहा था, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा, मैं तो यहीं पर हूँ, तुमने जरा ध्यान से मुझे देखा ही नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। वांग वहाँ पर सिपिंग से कह रहा था, तुम्हारी कल्टीवेशन पावर तो अच्छी है, तब भी तुम यहाँ पर इन दोनों को क्यों लेकर आए थे? क्या तुम्हारा इरादा था यहाँ पर इन दोनों की जान लेने का? इनके साथ तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। इस चीज को सुनकर तो वो दोनों डिसाइपल वहाँ पर समझ चुके थे कि इस सिपिंग ने अपनी पावर को छुपा कर रखा है। इसके पास वैसे भी काफी ज्यादा पावर थी, ये हमें सिर्फ चारा बनाकर यहाँ पर लाया था ताकि हम यहाँ पर उस स्कॉर्पियन को मारे और उसके बाद ये हमें मारकर हमसे वो स्कॉर्पियन की पावर को छीन ले। इसलिए वो दोनों वहाँ पर वांग का शुक्रिया कर रहे होते हैं कि सीनियर आपने हमें यहाँ पर बचा लिया, वरना तो हमारी यहाँ पर जान चली गई होती। या तो वो स्कॉर्पियन मार देता या फिर स्कॉर्पियन को मारने के बाद ये सिपिंग हमें मार देता। इसलिए वो दोनों वहाँ से डर के मारे भाग निकलते हैं। सिपिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहाँ पर पकड़ने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उन्हें भागने ना दे, लेकिन बीच में वांग आने के बाद अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर रोक लेता है। वांग वहाँ पर सिपिंग से कह रहा था, तुम्हें पता है ना कि ये दोनों बंदे जो थे पॉइजन डीमन पैलेस से थे, तुम आखिर पॉइजन डीमन पैलेस से अपना झगड़ा क्यों लगवाना चाहते हो? उन्हें पता चला तो वैसे भी वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, एक हिसाब से तो मैं तुम्हें यहाँ पर बचा ही रहा हूँ, क्योंकि अगर इन्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे सर पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। जो सुनकर तो सिपिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि यहाँ पर इसने मेरे दोनों शिकार को यहाँ से भगा दिया, आखिर ये मुसीबत मेरे सामने आया ही क्यों, मैंने इसका क्या ही बिगाड़ा था जो ये वापस से मेरे सामने आकर टपक चुका है। वो वांग से कह रहा होता है, सीनियर आपको किस चीज की जरूरत है, आप यहाँ पर क्यों आए, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? माना कि मेरे पास आपकी जितनी पावर नहीं, मैं ज्यादा आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो छोटे मोटे काम होंगे वो तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जिस पर वांग कह रहा होता है, क्या तुम्हारे पास सी ऑफ डिमोनिक कल्टिवेटर का पूरा अच्छा वाला मैप है जिसमें एक एक चीज के बारे में जानकारी लिखी हो? जिस पर सिपिंग कह रहा होता है, हाल फिलहाल मेरे पास तो अभी वो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से मेन सिटी के अंदर वो जरूर होगा। आपको एक बार मेन सिटी में जाकर वहाँ से पूछताछ करनी चाहिए, हो सकता है कि आपको वहाँ पर वो मैप मिल जाए। जिस पर वांग कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, जरा मेरे साथ चलो मेन सिटी तक के, अगर तुमने मुझे मैप हासिल करने में मदद की तो उसके बाद मैं हो सकता है तुम्हारी मदद कर दूं, या फिर इस स्कॉर्पियन को मारने में, या फिर उन दोनों डिसाइपल को वापस से पकड़ कर तुम्हारे पास लाने में। जैसा तुम कहोगे उस चीज में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। ये सारी चीजें सुनकर तो सिपिंग परेशान हो रहा था कि ये तो अभी बोलता है कि मुझे यहाँ पर इन दोनों को नहीं मारना चाहिए, अब यहाँ पर ये मेरी खुद की ही उन दोनों को मारने में मदद करेगा। मुझे इसके प्लान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आके मैं यहाँ पर इसे जवाब दूं तो दूं क्या। इसलिए वो वहाँ पर एक जेड को बाहर निकालता है और उस जेड के अंदर उसने जितना भी सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर में घूमा था उन सभी की मेमोरी को भर देता है, जिस वजह से यहाँ पर वांग को एक आइडिया मिल जाएगा कि सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर कितना बड़ा है और कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है, जिसकी मदद से वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल तक के जा सकता है। वांग को पता था कि यहाँ पर सिपिंग जो है झूठ कह रहा, इसलिए उसने उसके साथ ऐसा माइंड गेम खेला ताकि वो थक हार कर उसके पास जिस भी तरह का मैप होगा वो वांग को दे देगा। और ऐसा हुआ भी, सिपिंग के पास जितना भी मेमोरी से भरा हुआ जेट था उसने उसे वांग को दे दिया। सिपिंग कह रहा होता है, मैंने जो आपको ये जेट दिया है ना, इसके अंदर पूरा सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर का मैप तो होगा, हो सकता है कुछ छोटे बड़े पॉइंट जो है वो मिस होंगे, लेकिन आपको आइडिया तो अच्छे से लग ही जाने वाला है। अगर मैंने अपनी तरफ से सारा काम कर दिया तो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या? ये सुनकर वांग उससे कह रहा था, अगर ऐसी बात है तो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। इसलिए सिपिंग वहां से जाने लगता है, जाते हुए वो उससे कह रहा होता है, वांग क्या तुम देखोगे नहीं कि ये मैप सही भी है या फिर गलत, क्या तुम्हें मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा है? जिस पर वांग कह रहा होता है, भरोसे की तो बात छोड़ो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस मैप को मुझे चेक करना चाहिए, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसे ज्यादा तुम्हारी आंखों में मेरे खिलाफ डर दिखाई दे रहा है, और डर से तो तुम यहाँ पर सही मैप देने ही वाले थे, तो मुझे इसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये सही ही होगा। अब वांग उसी जेड का इस्तेमाल करते हुए वहां से आगे बढ़ने का डिसाइड करता है ताकि वो मेन सिटी में जाने के बाद वहां से कुछ टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बारे में जानकारी ले सके। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए उसे करीब 7 दिन निकल चुके थे, 7 दिन तक के वो इधर उधर भटक रहा होता है ताकि वो मेन सिटी तक पहुंच सके। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसका सामना कई सारे बीस्ट से होते जा रहा था, क्योंकि ये सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। तब जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है ना, उसे ऐसा लगता है कि आसपास जरूर कुछ ना कुछ तो चीज मौजूद है जो यहाँ पर घात लगाए हुए बैठी है, हो ना हो वो कोई मॉन्स्टर होगा जो यहाँ पर वांग का इंतजार कर रहा होगा ताकि जैसे ही वांग उसके सामने से गुजरे वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले सके। इसलिए वांग वहाँ पर थोड़ा चौकन्ना हो रहा होता है, और चौकन्ना होते साथ ही वहां से वो आगे बढ़ते जा रहा था, जहाँ आगे बढ़ने के बाद वो अपने एप को बाहर निकाल लेता है ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले एप जो है आगे जाकर देखेगा कि आगे कोई खतरा है भी या फिर नहीं, और वो रास्ता क्लियर करते हुए पीछे से वांग को लाते रहेगा। इस वजह से जो भी खतरा होगा सबसे पहले वो एप ही देखेगा, अब वांग को कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होता है, वो एप बहुत दूर आगे निकल चुका था, जहाँ जहाँ रास्ता साफ होता है वो रास्ता बताते हुए वांग को पीछे पीछे ला रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए वो एप जो होता है किसी खतरनाक जगह पर पहुंच चुका था, जहाँ आने के बाद एक अजीब सा ऑरा का भवंडर
होता है जो उस एप को अंदर ही घसीट रहा था। एप भी ये देखकर हैरान रहता है कि ये क्या हुआ, कौन सी चीज है जो मुझे अंदर घसीटने जा रही है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर भी खुद को बाहर नहीं निकाल पाता और काफी देर की मेहनत करने के बाद आखिरकार वो खुद को बाहर निकालते हुए वापस से वांग के पास आकर उसके अंदर ही छुप जाता है। वांग ये चीज देखकर समझ चुका था कि जरूर कुछ ना कुछ तो सामने काफी खतरनाक चीज थी, जिस वजह से तो ये एप इतना ज्यादा डर चुका है। जैसा मेरा शक था, जरूर वहां पर कोई बीस्ट होगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये मेरे आगे जाने के रास्ते को जरूर रोक कर रखेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि मैं इस बीस्ट से बच सकूं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।